ये है बाजरे का आटा और इसमें डाला नमक। आज हम आपको दिखाएंगे कि बाजरे की रोटी कैसे बनाई जाती है। देखिए ये हमारी बहन जी है और ये अभी इसमें देखो पानी डाला है, ये चूल्हा जल रहा है इधर देखिए, और इसमें बनाई कड़ी। ये देखिए कड़ी, ये बथुए कड़ी। तो हमारे गांव में क्या कड़ी का बाजरे की रोटी का बहुत शानदार मेल होता है, शानदार प्रचलन है। ये देखिए ये चूल्हा जल रहा है लकड़ियों से, ये इधर लकड़ी पड़ी हुई सारी सारी, देखो ये भगोनी में पानी है और ये मिट्टी का तवा है। देखो मिट्टी के तवे से रोटियाँ स्वादिष्ट बनती है। देखिए साथियों, और ये आटा लग चुका है, ये देखो ये देखिए एक शुरुआत में गांव में क्या है, सबसे पहले गाय के लिए रोटी बनाई जाती है, उसको मंडिया बोलते हैं। ये देखो छोटी सी रोटी है, ये मंडिया बोलते हैं, चंदिया भी बोलते हैं। ये शुरुआत की रोटी होती है गांव में, प्रचलन है कि शुरुआत की रोटी गाय की और लास्ट की कुत्ते की। ये गांव की संस्कृति है साथियों कि जो रोटी की शुरुआत होती है वो रोटी शुरुआत में गाय माता की होती है, गौ माता को दी जाती है, और जो अंतिम रोटी होती है वो मोटी बनाई जाती है, वो कुत्ते को खिलाई जाती है। लेकिन अब ये चीज़ें धीरे धीरे विलुप्त हो गई है, हमारी संस्कृति से हम दूर होते जा रहे हैं। देखिए ये देखिए ये लकड़ी है, ये बहुत सारी लकड़ी इधर इकट्ठी कर रखी है। देखो और ये इसमें क्या है, रोटी सेप रहती है बर्तन की बजाय। आजकल टिफिन का प्रचलन हो गया है, लेकिन इसमें रोटी सही रहती है, ख़राब नहीं होती, पसीजती नहीं है। टिफिन में रोटी पसीज जाती है। ये रखती देखो रोटी इधर, और ये गैया की रोटी तैयार हो गई है इधर चंदिया। इस आटे को एक साथ नहीं लगाया जाता, इसको जितनी मात्रा में रोटी बनानी होती है उतनी मात्रा में ही ये आटा लगाया जाता है। ये देखो इससे आटा वेस्टेज नहीं जाता है, क्योंकि बाजरे का आटा होता है इसी तरह लगता है वो। ये देखो ये लोग ये तैयार हो गया, उधर से रोटी बहन जी ने वो देखो रोटी प्लेट दिए। देखिए
देखिए यार, ये देखो ये रोटी रख दी है उधर से उतार के, और ये देखिए सिकाई करने के लिए। जो शहरी लोग हैं वो तो अभी जानते ही नहीं होंगे सिकाई कैसे होती है। देखो ये बाजरे की रोटी एक ऊपर है उसमें रखी हुई है तवे में, और ये सिकाई हो रही है इसकी। ये पलट दी, साइड चेंज कर दिए, ये देखो वो उसकी भी साइड चेंज हो गई ऊपर वाले की भी। अब बाजरे की रोटी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। वो फूल गई, देखिए ये रोटी फूल चुकी है। और ये स्पेशल जो टिक्कड़ होते हैं उससे भी शानदार रोटी बनती है। ये देखो तो इसमें घी डाला जाएगा, बिना घी के बाजरे की रोटी का आनंद नहीं है। ये देखो ये देखो इन्होंने हमारे ने, और ये कड़ी उसमें से थाली में की है, और ये बाजरे की रोटी बनके तैयार, और अब ये खाना लग चुका है। ठीक है साथियों, हम लेंगे बाजरे की रोटी का आनंद अगली आगे आपको और दिखाते रहेंगे। एक दिन बाजरे की रोटी के बाद अब आपको हम मक्के की रोटी बनाना सिखाएंगे। ये देखो साथियों, आशा करते हैं आप भी समझ में आया होगा बाजरे की रोटी, और बाजरे की रोटी बना के खाएंगे आप तब पता चलेगा इसका स्वाद कैसा होता है। एक बार इस विधि से बाजरे की रोटी बना के खाओ और फिर स्वाद पता चलेगा आपको। ये देखिए ये है कड़ी, ये देखिए बथुए की कड़ी, और ये गुड़ है, और आनंद आने वाला है। ठीक है, धन्यवाद।